ओए होए 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 होए, ये बहुत मजे की चीज। बॉयज एंड गर्ल्स सब छोड़ो, मैंने क्या देख लिया यहाँ पे भला, वो देखो क्या नजर आ रहा है, गोला गोला। मैंने अपनी लाइफ में अमेरिका के अंदर नहीं देखा कोई दे रहा। कितने बजे खुल रहा आज? ओए हो गया हो गया हो गया हो गया, किधर रखा ना? हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे पे भरोसा ही नहीं है। तो हाँ भाई, बॉयज एंड गर्ल्स क्या हाल चाल है, दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर रमजान ब्लॉग। आज मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या बना रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ से शुरू करते हैं। होता ना कभी कभी बंदे को राइटर्स ब्लॉक आ जाता है, इतने व्लॉग निकालने, आज क्या करें हम। आज आप हमारे साथ वैसे टाइम स्पेंड करो। कहते हैं कि नहीं, पहले सोचना चाहिए वो फलाना, मेरा एक यार पहले एक्शन ले लो, ठीक है सोचो रास्ते के अंदर ही जो होगा देखा जाएगा। मुझे नहीं पता कि फिजा ने आज मेरे लिए क्या बनाया है। यार सुबात नहीं यार, लंबी देर में पहले काम पे गया, 2-3 बजे वापस आया हूँ मैं, उसके बाद मैं सो गया, फिर सोया तो अब उठा हूँ, उसमें क्या हो गया। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। इसको पता है लगे सारी रात नहीं सोता मैं, बॉयज एंड गर्ल्स। ओए होए होए, चिकन पकौड़ा। क्या हुआ? गार्लिक शार्लिक कोई डाल के मुझे तो पता ही नहीं था। ओए होए होए, कहते हैं मिंट मार्गरिटा नहीं पीना चाहिए उसे, मुझे लोग कह रहे थे, लेकिन इतना रिफ्रेशिंग होता है। क्या यहाँ पे शिफ्ट करता? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ लोग कहते हैं, कह रही यहाँ पे शिफ्ट कर दो भाई, इतने मजे से पी रहा हूँ मैं। What is this? ये क्या है तुमने बनाया, चिप्स आलू के? ये देखो शर्ट बदल लिया, जैसे आप देख सकते हैं वो लग रहा था लास्ट शॉट में, तो वो जो हस्बैंड प्रो मैक्स आके नहीं मोटिंग करना शुरू कर देता। मूवी पफी हो रहा था, आई थिंक इसलिए होता है कि वाटर रिटेंशन की वजह से। सोने से भी होता है। अच्छी व्हेन यू स्लीप एंड देन यू वेक अप योर फेस इज पफी। अक्सर मैं सो के उठता हूं, मेरा इतना चिकना मुंह होया होता है, मैं देखता हूं हु इज दिस ब्रैड पिट। लेकिन आज ब्रैड पिट नहीं, ब्रैड पिट लग रहा था। इतनी परवाह हो गई मुझे अपनी। आज हमारे पास है रोटी व्हाइट और है हमारे पास भिंडी। जो अपनी डाइट वगैरह करता हूं ना, मैं डाइट नहीं करता, मैंने अब लाइफ का मोटो ही बना लिया, मैं खाता ही कम हूं। मैं किसी के घर भी जाता हूँ, कितना खाता हूँ, तो लोग खुद परेशान है, खा लो खा लो खा लो, पीछे ही पड़ जाते हैं देसी लोग भी, लेकिन खैर उनका प्यार होता है। आपको बताया भिंडी कैसी है? बहुत अच्छी है, मजे की बनी है। तो हाँ मैं खाई जा रहा हूँ, मैंने खाई नहीं, कैसी है? ये बहुत अच्छी भिंडी बनाई है तुमने फिजा, देखो भिंडी चिकन। वाह क्या एक्टिंग कर रहे, लोग वंडर कर रहे थे कि यार शाहिद आशमानी वाला नहीं आया यार, सर में सीन है कि वो अपने एडिटर से एडिट करवाता है, इनफैक्ट मेरे लिए तो अच्छा है, इज मी टाइम। मैं बता रहा हूँ किलर पॉट, कैसे किलर, क्या क्या बातें की हमने, आप लोगों की सोच है। Later. सीन ये है कि हम जरा, मैं और फिजा थोड़े से रेडी हो गए थे, हमने कहा यार आज निकलते हैं, काफी टाइम हो गए, चाय शाय पी के आते हैं, तो मुझे सेफानी की चाय बहुत याद आ रही थी, उफ वो जो अदनी टी थी बड़ी मजे की, और हमने कहा थोड़ा सा वेदर भी चिली चिली ठंडा ठंडा है, तो बाहर बैठ के आराम से पीते हैं चाय कॉफी ना, और उसके बाद फिर हमने आइसक्रीम खानी है। फिजा को आइसक्रीम का बड़ा दिल हो रहा था, क्वालिटी आइसक्रीम पिस्ताशो वाली। आज जा रहे हो तुम अपने मिसोजिनिस्ट के साथ, Evil husband के साथ, sorry. So scene ये है कि हम मुस्तफा निकल रहे हैं। Don't forget to subscribe your boy मूसा खाना. Don't forget to follow me on Instagram. और जिन जिन लोगों ने मुझे Instagram पे यार message वगैरह किया ना, sorry मैं तुम लोगों के message नहीं देख पाया, उसमें ना option होती है hidden request वाली, मुझे पता ही नहीं था, आज मैंने खोल लिया तो सारे नए messages आए हुए थे, तो मैं देख के ना आहिस्ता आहिस्ता reply करूंगा उन messages पे ना, तो अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चंस क्वेरीज वगैरह पूछे तो आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ओवर देयर। बाकी एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स आओ हमारे साथ चाय पियो और हमारे साथ जरा आइसक्रीम खाओ, फिर जिंदगी की बातें भी करते हैं साथ साथ। आज मैं अपना जरा स्मोकिंग का सामान भी लाया हूँ, ऐसे ना समझे को कोई, आपको दिखाऊंगा। खैर एनीवेज जल्द सी यू देयर। सीनियर हम सेफानी पहुंच गए और सेफानी पे कभी वैसे मैंने देखा था रश होता नहीं है फॉर सम रीजन, हालांकि आई थिंक दिस इज टॉप नॉच अडनी टी। अभी हम दोबारा पियेंगे और आज थोड़ा वेदर भी अच्छा, हवा नहीं चल रही, थोड़ा चिली चिली है, तो बाहर बैठ के अपना जरा थोड़ा सा एक स्मोक सेशन लगाते हैं, बड़ा दिल कर रहा है चाय के साथ। तुम अपने लिए एक छोटा कप साथ साथ पीते ना, आइसक्रीम खाऊंगी। फिजा को तो बताइए आइसक्रीम से बहुत लगाव है फॉर सम रीजन, सर्दियों में भी आइसक्रीम। Not me, I'm not sweet. Sour. ओए होए 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 होए, ये बहुत मजे की चीज। क्या हुआ? अंकल ने आ जाना भाई,
बहुत मजे की चाय है बॉयज एंड गर्ल्स, ये चाय हो और उसके साथ हम मेरी चाय ले उठा बॉयज एंड गर्ल्स ये चाय हो। देखो सिगरेट नोशी कहते हैं बुरी चीज है, लेकिन पाइप नोशी को तो किसी ने नहीं कहा कुछ। देखो ये मैं आपको आज बताता हूँ पाइप 101 किस तरह स्मोक करते हैं। तो अभी तंबाकू लेंगे, ठीक है, इसे स्टिक से निकाल के डालते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं, हाथ से डाल लेंगे। ये देखो ना, इसको दबा के अंदर इसको इस तरह डाल के ये वाला लेनी है चीज़। एक क्लिपर पता नहीं अब कहाँ से मिलेगा उधर, लेकिन ये पकड़ के इसको ये हमने स्टफ कर देना अंदर। उसके बाद बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत पहले मैंने लाइफ में लर्न किया था कि टबैको एंड लिसनिंग टू मोज़ार्ट एंड बेथोवन एंड लाइक ऑल दिस पियानो गुरुज राइट फ्रॉम द ओल्ड टाइम्स मेक्स यू स्मार्ट। तो मैंने वो सुनना शुरू कर दिया था, मैंने टबैको इसलिए बहुत जल्दी शुरू कर दी लाइफ में, बट बहुत जल्दी नहीं, 2017-2018 में, बट आई थिंक ये मेरी स्मार्टनेस का राज है। तो यार तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट होता है, बेचारे सारे डेट पे जो आते ना, कभी कोई गाड़ी में बैठा तो फिजा देखेगी। हैं, याद है हम एक दफा गाड़ी में बैठे हुए थे, कोई नॉक करके चला गया था हमारी गाड़ी पे। हम गाड़ी पे बैठे भी वर हैविंग अ गुड टाइम, मतलब डेट शादी से पहले की बात है, एक हफ्ता पहले की ना, तो यू नो साथ हम बैठे हुए क्वालिटी टाइम स्पेंड कर ले। तो एक पता नहीं लोग ना गुजरी जा रहे थे गाड़ी के आगे से ना, तो हुआ क्या कि एक बच्चा आया शर्टलेस हमारी गाड़ी पे, उसने टक 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 मार के और दौड़ लगा दी। मैं कहीं क्या चूतिया तू यार, और भागी जा रहा रुका ही नहीं। पाकिस्तान में तो पुलिस आ जाती थी, ठुल्ले पकड़ लेते थे भाई। नहीं, मेरे दोस्तों की कहानी है, मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था, उसे पुलिस ने पकड़ के खूब घूसे मारे थे पेट। वैसे वो छड्डू भी बड़ा था मेरा एक दोस्त ना, कहता है मुझे 3 पुलिस वालों ने पकड़ लिया, और फिर मैंने कहा या मैंने शान की तरह ना उठाया, मतलब सलमान खान की तरह उठाया, सारे उड़ के गए पुलिस वाले। बकवास कर रहा था, 2 चपेड़े मार दी पुलिस वाले ने, उसको सीधा हो गया था। भाई वो इना स्टोरी ऐसा सुनाता था कि मुझे फिर मैंने हॉकी स्टिक गाड़ी से निकाली, मैं पुलिस वालों को पड़ गया, फिर पुलिस वालों ने मुझे नीचे बैठाया और पीछे शॉटगन रख दी मेरे। हम बड़ा मजाक उड़ाते थे इसका, बहुत छड्डियाँ मारता था इस तरह की ना रख रख के। मेरे पास इतनी स्टोरी है, मैं आपको क्या बताऊँ, स्कूल के ज़माने की, अपने कॉलेज के ज़माने की, द पार्टी डेज वगैरह कभी डिस्कस करेंगे। सही ना, एज मच एज आई यूज टू पार्टी, पढ़ता भी बहुत सही था बॉयज एंड गर्ल्स, ऐसी बात नहीं, मैं हमेशा से पढ़ने वाला बच्चा था, स्ट्रेट ए स्टूडेंट। तो आप लोग मुझे देख के अगर ये कभी समझते हो ना कि नहीं यार पढ़ना नहीं चाहिए वो, मैं तो कहता हूँ पढ़ो, ग्रेड्स लो, GPA लो, कॉलेज में तो सही तरह पढ़ो। इंस्टाग्राम रील्स पे भी एक्टिव हो ना, मुझे कुछ बच्चे जैसे 14 साल के बच्चे ने मुझे अप्रोच किया, वो कह रहे हैं कि यार मैं 14 साल का हूँ एंड आई रियली लाइक योर माइंडसेट, और मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट मैंने शुरू कर दिया है, एम आई डूइंग राइट। मैंने कहा भाई एम आई डूइंग राइट, तू 99% पॉपुलेशन से आ गया, 14 साल में मैं क्या कर रहा था मुझे पता है। इतनी खुशी होती है ना इस तरह की मेरी स्टोरी सुन के। लेकिन मैंने उसको ये भी कहा कि देख तूने अपने इसमें एरोगेंसी में आके अपना स्कूल नहीं छोड़ना, एंजॉय भी कर लाइफ को, तू 14 साल का है तो स्कूल को एंजॉय करो, दोस्तों के साथ टाइम एंजॉय करो, पढ़ो भी सही तरह, लेकिन साइड पे ये चीज भी रखनी चाहिए, इट्स बेटर देन वेस्टिंग टाइम। ऑल्सो मैं कहूंगा जो बच्चे ना छोटे अभी मुझे देखते हैं टीनेज ईयर में, गो प्ले स्पोर्ट्स विद योर फ्रेंड्स। आई cannot stress you enough, जितना मुझे मजा आता था ना क्रिकेट खेलने का गली मोहल्ले में, फुटबॉल खेलने का, आई स्टिल sometimes it, you know, मेरा दिल रोता है कभी कभी ना, जब मैं वो एक मैंने पोस्ट देखी थी बड़ी मजे की थी, उसमें लिखा था कि यू डोंट नो द लास्ट टाइम दैट यू वर प्लेइंग आउट विद योर फ्रेंड्स इन द स्ट्रीट एंड दैट वाज द लास्ट गुड बाय, और जब आप जाते हो ना उसके बाद कभी आपने मतलब कि खेला नहीं दोबारा। क्रिकेट खेलो अपने बॉयज के साथ रमजान में, एंजॉय करो लाइफ को, ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है, जो वो मेमोरीज होती है ना बंदा बड़े होकर वही याद कर रहा होता है। तो दैट्स व्हाट आई वुड से। लेटर वी आर बैक एट क्वालिटी आइसक्रीम एंड जूस कॉर्नर। देखो आज ना तुम कोई और फ्लेवर ट्राई करो, लास्ट टाइम तुमने किया था पिस्ताशो। देखो बॉयज एंड गर्ल्स इनके पास क्या क्या है यहाँ पे, बटर स्कॉच है, ठीक है, कैश्यू रेजिन, कॉफी ना करें तो ट्राई। यार वो कौन सा है, वो जो काजू की थी वो ले लूंगा मैं, काजू नहीं उसको क्या कहते हैं यार, वो जो गोल्ड, ये मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो गोल चीज होती है, ड्राइड फिग्स, इंजीर आइसक्रीम, यस ये वाली खाऊंगा मैं, फिग्स एंड वॉलनट वाली। मैंगो, यार मैंगो तो आम होती है, मैं कह रहा हूँ या तो कॉफी ले लो या तो बटर स्कॉच ले लो। चलो सबसे बेसिक पकड़ गई थी, ये बेसिक है, चलो तुम्हारी मर्जी भाई। बॉयज एंड गर्ल्स सब छोड़ो, मैंने क्या देख लिया यहाँ पे बोला, वो देखो क्या नजर आ रहा है, गोला का अंडा। हम वही लेंगे ना जो 3 रंगों वाला होता है, ये मेरे बेक राउंड स्कूल के बाहर मिलता था, गोला मैंने अपनी लाइफ में अमेरिका के अंदर नहीं देखा कोई दे रहा हो। वो शेप्ड आइस यही होता है, ओ हाँ बात। नहीं लेकिन वो ये वाला गोला नहीं होता ना जो हमारे स्कूल के बाहर रेडियो में मिलता था। चलो क्या हंसी आई जा रही है, सही बात कर रहा हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ, ऑथेंटिक गंदे हाथों से अंकल अपने बर्फ को खेल के बनाते थे ना, वो वाला गोला खाना मैंने, on gola, the condensed milk and then the on the stick, gola on the stick, the mixed fruit one, wo
ओए होए 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 ये मैंगोस ने लिए वॉल्स वाली बिल्कुल आइसक्रीम लग रही है। चेक करो जरा, ओए होए होए अंदर से चिब्बी हो गई ऊपर से। सारा तो खत्म ही हो गया एक ही बाइट में। कि चूस रही है सारा अंदर से। ओए होए होए मजा आ गया। मुझे याद आ रही है यार, मैं बॉयज एंड गर्ल्स बेकन हाउस गार्डन टाउन था ना, मेरा स्कूल होता था शायद, बहुत से लोग जाते होंगे उधर। उसके बाहर ना एक गोले वाला होता था, ये गोला इतना लीट नहीं है मैं आपको पहले बता दूं, थोड़ा खट्टा है, लेकिन वो 5 रुपए का गोला देता तो 10 रुपए का कंडेंस मिल्क डालो पर। यार क्या आर्ट थी उस बाबे के हाथ में यार, वो क्या स्टिक पे गोला लगाता था। हम ना अपने अंकल वैन वाले से कहते थे हमें दिला दे, हम पैसे खा लेते थे सारे। अब मेरे पास दुनिया में जितने मर्जी पैसे हो ना, मैं वो हैप्पीनेस नहीं अपनी वापस ला सकता, पता नहीं फॉर सम रीजन। हाय 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 हाय। हाँ भाई बोलो। बॉयज एंड गर्ल्स जो व्लॉग जो $4 का गोला था है, लेकिन वो 10 रुपए गोले के करीब भी नहीं आया। जो वो फ्लेवर थे ना, जो अंकल का नजला पसीना और मतलब के खारिशें, और वो जो उन्होंने उस हाथ से जो बनाते थे अपने, यू नो वो मजदूर वाले हाथों से, उसका मजा ही अपना था। नाजुक हाथों से बना, ये नाजुक हाथों से बना हुआ था, कोमल कोमल हाथों से। वो जो होता है ना, वो जो गंदे, क्या मैं बताऊं। ब्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, काफी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से भी मिलेगी, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर। एनीवेज विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। ये क्या कर रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह।